लुधियाना के पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल के नेतृत्व में नो योर केस की चलाई हुई स्कीम बेहद कारगर साबित हो रही है और पिछले 4 हफ्तों के दौरान अनेकों लोगों के पेंडिंग केसेस को दोबारा खोला गया और मौके पर ही उनका निपटारा किया गया। हाल ही में इसी के तहत डिवीजन नंबर 1, 2 और 3 में भी इसी किस्म की योजना को कार्यान्वित किया गया, जिसमें स्वयं लुधियाना के ADCP गुरप्रीत सिंह स्कंद भी पहुंचे। साथ ही पुलिस के आला अधिकारियों ने बड़ी गिनती में लोगों को मिले और उनकी समस्याओं को सुना और उनके पेंडिंग केसेस को खोला, उनकी जांच की और मौके पर ही उनका निपटारा किया। आइए देखते हैं वॉइस ऑफ एशियन से नवल कुमार की एक खास रिपोर्ट। अज साडे डिवीजन नंबर 2 दे विच नौजवान स्कीम तहत जो CP साहब ने शुरू की सी मैम, उसके तहत अज कैंप लगाया गया सी, जिथे सीनियर अफसर आए हैं। इतने DCP साहब हैडक्वाटर, ADCP 1 गुरप्रीत सिंह सर आए हुए मौजूद ने। इतने 150 के करीब असी लोगों को अज इतने जिहड़े पेंडिंग केस कंप्लेंट्स है उन्होंने बुलाया सी, जिहदे विचों अज 75 जिहड़े केस कंप्लेंट्स है मौके पर ही उन्होंने निपटारा किया गया। असी 4 हफ्ते हो गए ने अपने इलाका सेंट्रल डिवीजन नंबर 2 दे विच आंदे हुए। जिहड़े लुधियाने दे कमिश्नर राकेश अग्रवाल जी ने यह उपराला किया है, ये बहुत वधिया किया है और 4 हफ्तों दे विच काफ़ी समस्या का हल होया है भी जिहड़े लोगों दी जिहड़ी पेंडिंग दरखास्तां सीगियां कारवाई नहीं हुंदी सीगी वह मौके पर अज निपटारा किया गया। असी DCP अपने डॉक्टर अखिल चौधरी जी का, गुरप्रीत जी का, तो SHO चोपड़ा जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे साथी भी मेरे नाल ने, जस्सा जी ने, टीटू नागपाल जी ने, असी सारे ने रल के कुछ हल कराए ने, कुछ अगले शनिवार हो जाएंगे। बहुत कमी पेगी क्योंकि लोगों को जिहड़ी मतलब मुश्किल आंदिया सीगियां वो मुश्किल उन्होंने टेबल पर हल होने लग पी ने, इहदे नाल बहुत क्राइम का फर्क पेगा। हुण जदों दा इन्हां ने शुरू किया उपराला, इस तो बाद पुलिस ते होर विश्वास बन गया कि पुलिस सानू खुद बुला के साडी कारवाई जिहड़ियां ने ओह खुद कर रहियां ने ते फैसले खुद कर रहे ने मौके दे उत्ते।